हालांकि आप तो फंडामेंटल राय देंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये रेलवे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक चले हैं, अब तो बात ये भी हो रही है कि वंदे भारत अगले साल और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आएंगे। लेकिन एक मैंने फिगर कहीं पढ़ी 500 वंदे भारत तक आएंगी। तो जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से जुड़े हुए जितने भी वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, यहाँ पर अब भी अच्छा मोमेंटम है। कोई आपकी यहाँ की फेवरेट पिक होगी आपकी इस पर? अनम्यूट योर सेल्फ गौरांग। क्षमा चाहता हूं प्रियंका। तो आपने सही पढ़ा था और मैंने भी पढ़ा हुआ था कि करीबन 400 से 500 वंदे भारत ट्रेन पूरे भारतवर्ष में चलेगी और इसका लाभ स्वाभाविक है। जो भी भारतीय रेल से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां भारतीय रेल के साथ, उनको मिलेगा एक। और मैं ये भी मानता हूं कि जो भी कंपनियां हैं भारतीय रेल से जुड़ी हुई और जो कामकाज कर रही, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी, बहुत सक्षम और मजबूत है। और मेरा आकलन और अनुमान ये भी कहता है कि जो भी परिवर्तन और बदलाव भारतीय सरकार भारतीय रेल मंत्रालय के साथ मिलकर के जमीनी स्तर पर लागू कर रहे, उसका भी फायदा इन सब कंपनियों को मिलेगा। लेकिन एक कंपनी जिसकी मेरे ख्याल से चर्चा या फिर नाम बहुत कम लिया जाता है, वो है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जो कि भारतीय रेल के साथ मिलकर के बहुत बड़ा काम कर रही, वो है केसी इंटरनेशनल। इस कंपनी के ऊपर मेरे ख्याल से करीबन 350-400 के आसपास से खरीदारी की राय है, मौजूदा स्तर करीबन 580 के आसपास, 580 या 590 के आसपास। प्रियंका, ये कंपनी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की मझौली कंपनी है और इनके चार मुख्य स्तंभ है कारोबार के, और चारों ही कारोबार से बहुत ही शानदार योगदान इस कंपनी के ऊपर आता है। हाल ही में मेरे ख्याल से कुछ 2-3 महीने पहले इसने अपना सर्वोच्च स्तर बनाया था और वहां से नीचे आया है। और अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के जो मझौली कंपनियां हैं, जो भविष्य में मझौली से दिग्गज कंपनी बन सकती है, वैसी कंपनियों पर हम ध्यान दें। तो केसी इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो भारतीय रेल के साथ भी जुड़ी हुई है और बाकी अन्य कारोबार भी है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि की राय है और लक्ष्य करीबन 680 से 700 का है हमारा। ठीक है, 680 से 700 रुपए के लक्ष्य केसी इंटरनेशनल के लिए निश्चित तौर पर एक दमदार कंपनी है। आगे डिवीज लैब अपोलो के साथ साथ ही चल रहा है, क्या भी उसको अपोलो आपने रेकमेंड भी किया है, क्या डिवीज लैब में मौके बन रहे हैं आज? जी बिल्कुल अभिषेक जी, हम देख रहे हैं कि डिवीज में पिछले तीन हफ्तों से कंटिन्यूसली हायर हाइज बनते हुए दिख रहा है, और डेली फ्रेम में हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मोमेंटम जो है वो बनते हुए दिख रहा है। ऑफकोर्स अपोलो हॉस्पिटल में एक क्विक मूव है, पर डिवीज भी एक काफी पॉजिटिव नजर आते हुए दिख रहा है, रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी। तो 3800 तक के लेवल्स हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे सेक्टर का टेलविंड है, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिवीज लैब में आपके लिए मौके बन सकते हैं।